हाँ दोस्तों, आप लोगों का मस्ती की पाठशाला में स्वागत है। फ्रॉम प्रगति क्लासेस दिस इज धीरज सर। आपको इस टाइम पे बहुत सारे ट्रिक्स मैं शेयर कर रहा हूँ, जादूगर भी बना रहा हूँ, और आज का जो ट्रिक है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके एनटीएससी में भी और भी एग्जाम्स में काफी मददगार होगा। हाउ टू फाइंड डे ऑफ द वीक, डे ऑफ अ वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कैसे पता करेंगे अगर मुझे तारीख दे दिया जाए। इसको जानने से पहले आपको कुछ रूल्स पता हो और वो आप लिख सकते हो, वीडियोस है ही देख सकते हो। तो डे का हमने रखा है, अगर नंबर वन आया, अगर सॉल्व करके कोड मेरा वन बचा तो मैं संडे हूँ, दो बचा तो मंडे हूँ, तीन बचा तो ट्यूसडे, फोर है तो वेडनेसडे है, फाइव है तो थर्सडे है, सिक्स है तो फ्राइडे है, और अगर जीरो है तो सैटरडे। मंथ का कोड कैसे याद रखें? सो 12 का स्क्वायर होता है 144। किसका स्क्वायर? 12 का। अप्रैल में जून 5 का स्क्वायर 25। दो ही डिजिट होता है, दो डिजिट इसने ले लिया भरने के लिए, जीरो। छह महीने का कोड हो गया। 6 का स्क्वायर 36, 3 और 6 इसने ले लिया, किसने? अगस्त और सितंबर ने, तो जुलाई को दे दो जीरो। शाहरुख खान की मूवी थी, जीरो। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 12 का स्क्वायर में दो जोड़ दो, 12 का स्क्वायर में दो जोड़ दो, 146। अक्टूबर को 1, नवंबर को 4 और दिसंबर को 6, ये दो चार प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा। अब आता है Years के कोड। अगर मैं 1600 से 1699 को ढूंढूंगा तो कोड लगाऊंगा 6, 1700 से 1799 को 4, 1800 से 1899 को 2, 1900 से 1999 को शाहरुख खान का फेवरेट मूवी 0, और 2000 से 2099 तक का कोड है 6। इस नॉलेज से आप किसी भी तारीख का डे बता दें। और हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तारीख हमारे देश का, 15 अगस्त 1947। कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947। इसमें दो बातों का मेरा ध्यान रखना कि डे जो है 7 होते हैं, राइट, उसके बाद रिपीट होता है, इसलिए 7 का डिविजिबिलिटी और लीप ईयर के लिए 4 का डिविजिबिलिटी। क्या कहना चाहता हूं इस एग्जाम्पल में, 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? डे से स्टार्ट करते, 15 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर को फोकस करो, सिर्फ रिमाइंडर को फोकस करो, 1। चलो तारीख का गेम खत्म हो गया, तारीख का कोड आ गया अगस्त, अभी अभी हमने बनाया जनवरी फरवरी मार्च, क्या था 144, फिर अप्रैल में जून क्या था 0, और क्या था अप्रैल में जून का कोड याद रखना, जुलाई अगस्त, हमें कहां जाना है? अगस्त के कोड में जाना है, राइट, और अगस्त का कोड हमारे पास बन जाता है, दैट इज वी कैन से क्या था 036 था, तो अगस्त के लिए क्या है 3। अगस्त भी खत्म हो गया। अब आ जाओ लास्ट टू डिजिट 47, पहले 7 से डिवाइड करो, 47 को रिमाइंडर देखो, 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर 5, एग्रीड। अब लीप ईयर भी है, कितना लीप ईयर है उसको ध्यान देने के लिए हमें पता है एवरी लीप ईयर हैज रिपीटेशन आफ्टर 4 इयर्स, सो इसको 4 से डिवाइड करो और जो क्वेश्चन आए वो लिखो, लिख दिया 11, 4, 11, 44। अब आ जाओ 1900, 1900 का कोड अभी अभी बताया 0, नाउ ऐड 11, 16, 19 और 1, 20, अगेन 7 से डिवाइड, रिमाइंडर 6। अब देखिए 6 कौन था, संडे को हमने क्या नंबर दिया था 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3,
वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5 और फ्राइडे चेक कर लीजिए 15 अगस्त 1947 फ्राइडे था। है आसान। एक और इंपॉर्टेंट डे देखते हैं, कौन सा इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट डे, 26 जनवरी 1950। एग्रीड। स्टार्ट फटाफट, रिमाइंडर 7 3 21 रिमाइंडर 5। जनवरी का कोड 1, लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर होता ना, अगर लीप ईयर होता, इफ लीप ईयर, तो जनवरी का कोड ले लेना 0 और फरवरी का कोड चेंज करके ले लेना 3। कब? जब मैं लीप ईयर स्टडी करूं। नॉर्मल ईयर में जनवरी 1, दो चीज खत्म हो गया। 50 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1, 7 7 49। एग्रीड। अब 4 से डिवाइड करो लीप ईयर फाइंड करने के लिए, 12, 12 4 48। राइट। अब आ जा 1900 कोड 0, 5 और 2 7। वैसे भी थोड़ा और फास्ट कर सकते हो, 7 7 मतलब नो रिमाइंडर, चलो हटा दो। क्या बचा? 12, 12 यानी कि रिमाइंडर 5, 5 आप बता सकते हो शायद, थर्सडे चेक कर ले मोबाइल से, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, 26 सितंबर 1950 कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 एक बार और, 26 जनवरी 1950 was which day? Thursday. But it है आसान, आ जाओ। एक और इंपॉर्टेंट ले लेते हैं, ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरे को डे याद नहीं है, ईयर याद है, लेकिन इसलिए इनकम्प्लीट हो जाएगा। नहीं, फिर भी कोई, चलो ईयर तो याद आया, डे मुझे याद नहीं, फिर भी मैंने लिया 9th मार्च 1983 मुझे याद था, वर्ल्ड कप हम देखे थे। 9th मार्च है कि नहीं मुझे पता नहीं। चलो 9th, दो फर्स्ट मार्च क्या था? 12 का स्क्वायर 144, ये लो 4 मार्च के लिए 83। फटाफट 7 से डिवाइड करते 7 11 77, 6 रिमाइंडर। अब 4 से डिवाइड करते लीप ईयर कितना आया? 20, 24 80, ये लो 0 1900 के लिए। 20 और 6 26 और 4 30 और 2 32 32 बेस 7 ले रहा है, रिमाइंडर 4, 20 और 6 26 4 30 2 32 7 रिमाइंडर 4। 4 हमने किसको नोट किया है? तो मंडे, संडे को 1 है, मंडे को 2 है, ट्यूसडे को 3 है, तो वेडनेसडे चेक करें एक बार, आ जाओ ताकि वेरिफिकेशन रहे। 9th मार्च 1983 वाज विच डे? इट इज वेडनेसडे। चैंप बन गए अपन, वेडनेसडे। एग्रीड। एक लास्ट एग्जांपल, मस्ती की पाठशाला, इससे शॉर्टेस्ट ट्रिक नहीं मिलेगा, आप आराम से तारीख देखकर डे बता रहे हो। एक और ले लेते हैं, आ जाओ 26 सितंबर 2004। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी, मेरी बिटिया आई थी 26 सितंबर 2004, 26 रिमाइंडर 5। सितंबर, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 6, ठीक है, सितंबर का 6, यस। नाउ 04, 7 से डिवाइड नहीं, तो रिमाइंडर 4 एज इट इज। लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड, तो 1 आ रहा है, 1 लीप ईयर आ रहा है। और 2000 का कोड है 6, 7 आप ही भूल जाओ, चलो खत्म, 7 का गेम खत्म। देखो 6 4 10 और 5 15 15 बोले तो रिमाइंडर 1, यानी कि बिटिया हमारी हुई थी संडे को,
वेरीफाई करते हैं. 26 सितंबर 2004 वाज विच डे? Once again, 26 September 2004 was which day? It is Sunday. Done. I hope आपने enjoy किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा. This is मस्ती की पाठशाला से धीरज सर का. डेट पता हो तो मैं डे बता सकता हूँ. जल्दी आपके लिए और वीडियोस लाऊंगा. और अगर आपको मेरे वीडियोस को enjoy कर रहे हो, आगे सब्सक्राइब करने के लिए बोलो. Forward karo with this note. A very thank you to all of you.